नमस्कार, सिटी वॉच लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। क्या गौतम गंभीर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में करेंगे एंट्री? जी हां, हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। गौतम गंभीर ने रविवार को राजनीति से जुड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वह राजनीति में कदम रखने से पहले अपने क्रिकेट प्रेमियों को जो क्रिकेट खेलना चाहेंगे उनको कोचिंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो राजनीति में कभी भी कदम नहीं रख सकते हैं। भारत की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे 37 साल के गंभीर ने फिरोज शाह कोटला पर अपने विदाई रणजी ट्रॉफी मैच में यादगार शतक जड़ा। गंभीर से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वह आम चुनाव के मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने बोला, जी बिल्कुल नहीं। गौतम गंभीर ने कहा कि इस तरह की अटकलें हैं जो मैंने भी सुनी है। ऐसा संभवतः इसलिए है कि मैं सामाजिक मुद्दे भी उठाता हूँ। मेरे लिए ट्विटर हमेशा ऐसा मंच रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है और जहां मैं सामाजिक मुद्दे उठा सकता हूं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं जो ट्विटर जैसे मंच पर भी मजाक शुरू कर दे। मेरे लिए इस देश का नागरिक होने के नाते सामाजिक मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है और संभवतः यही कारण है कि लोगों को लगता है कि मैं राजनीति से जुड़ने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव में इतना ही और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।